स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा क्लासरूम। मायसेल्फ सूर्य प्रकाश अंगी, योर फिजिकल केमिस्ट्री टीचर। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने ली चैटली प्रिंसिपल स्टार्ट किया था। वहां पे देखे थे कि किस तरीके से यहाँ पे इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करके हम वापस से रीगेन करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं वो हमने देखा था। कंसंट्रेशन का इफेक्ट देखा था, उसके बाद वॉल्यूम का इफेक्ट देखा था, प्रेशर का इफेक्ट देखा था, कैटेलिस्ट का इफेक्ट देखा था और टेम्परेचर का इफेक्ट देखा था। राइट, वो हालांकि हम पहले भी देख चुके थे। ठीक है, इसमें एक इफेक्ट और बचा है, वो भी देख लेते हैं, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एडिशन। अब यहाँ पे इनर्ट गैस का एडिशन हम इक्विलिब्रियम मिक्सचर पर करने वाले हैं। इसमें दो तरीके से हम यहाँ पर एडिशन करते हैं, एक तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम एडिशन एंड सेकंड वन इज एट कांस्टेंट प्रेशर एडिशन। इनर्ट गैस को आप कांस्टेंट वॉल्यूम पर ऐड कर रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर पर ऐड कर रहे हैं, तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर ऐड करते हैं तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट होगा या बैकवर्ड शिफ्ट होगा। अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड कर रहे हैं तो इनर्ट गैस के एडिशन से इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होगा या बैकवर्ड शिफ्ट होगा, वो हमें यहाँ पर देखना है। तो दोनों वन बाय वन करके देखते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं यहाँ पर एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। राइट, तो चलिए इसमें कंडीशन के अकॉर्डिंग बात करते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है, इसका वॉल्यूम V है। राइट, वॉल्यूम हमें क्या रखना है यहां पर, कॉन्स्टेंट ही रखना है, वॉल्यूम हमें चेंज नहीं करना है। तो एक कंटेनर है जिसमें पिस्टन लगा हुआ है। राइट, पिस्टन को हमने क्या कर रखा है यहाँ पे, लॉक कर रखा है। पिस्टन ऊपर नीचे नहीं जा सकता है, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट है। राइट, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन चल रही है, सपोज ए से बन रहा है 2B। राइट, इसके अंदर एक रिएक्शन चल रहा है, ए से बन रहा है 2B, तो अभी यहाँ पे इक्विलिब्रियम है। राइट, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, इक्विलिब्रियम पे मोल्स ऑफ ए आपको गिवन है, एन ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोल्स ऑफ बी एन बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। राइट, अब हम क्या करते हैं, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे थी, वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है, तो हम क्या करते हैं इसमें इनर्ट गैस मिला देते हैं। इनर्ट गैस क्यों, ताकि वो इसके साथ रिएक्ट ना करे। हम यहाँ पर ये देखना चाह रहे हैं कि अगर हम इसमें एसी गैस मिला रहे हैं जो इनके साथ रिएक्ट नहीं कर रही है, तो इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। राइट, तो हमने क्या किया यहाँ पे, हीलियम का एडिशन किया, तो हीलियम अभी इनके साथ रिएक्ट तो नहीं करेगी, बट वॉल्यूम कांस्टेंट है, नंबर ऑफ गैसेस मोल्स कंटेनर के अंदर इंक्रीज हो रहे हैं। हीलियम गैस रिएक्ट नहीं कर रही है, बट उसके कुछ ना कुछ मोल्स होंगे, कुछ ना कुछ वो प्रेशर लगा रही होगी, तो इस कंटेनर के अंदर टोटल प्रेशर चेंज हो रहा होगा। राइट, तो अगर यहाँ पे टोटल प्रेशर चेंज हो रहा है तो हम देखते हैं क्या टोटल प्रेशर के चेंज होने से इक्विलिब्रियम यहाँ पर डिस्टर्ब हो रहा है क्या। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि अगर क्यूसी और केपी का वैल्यू क्यूसी और क्यूपी का वैल्यू केसी एंड केपी से वेरी कर रहा है, तो मीन्स इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। अब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, तो हम क्या बोलेंगे, एट इक्विलिब्रियम केपी क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। राइट, अब यहां पे अगर केपी का इक्विलिब्रियम पे इस केपी का वैल्यू है, अगर यहां पे इन दोनों में से यहाँ पे इनके पार्शियल प्रेशर से जो रेशियो मिल रहा है वही केपी है, तो अगर इनके पार्शियल प्रेशर का रेशियो वेरी हो रहा है तो मींस इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ। अगर आपको इनके रेशियो से केपी वाला ही वैल्यू मिला तो मींस आप क्या बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम पर है रिएक्शन। अगर इनके रेशियो से सपोज यहाँ पे केपी का कुछ वैल्यू था एक्स, इनके रेशियो से आपको एक्स नहीं मिल रहा है, तो आप क्या बोलेंगे ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीधा सीधा क्या बोल सकते हैं कि अगर इनके पार्शियल प्रेशर के रेशियो चेंज हो गए, यानी जो भी पावर है वो लगाने के बाद अगर रेशियो चेंज हो गए, तो मीन्स इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। तो अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की बात करें, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी आप कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ बी इंटू आर टी अपॉन वी पीवी इक्वल टू एनआरटी। राइट, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ ए इंटू आर टी अपॉन वी। इक्विलिब्रियम पे जो भी मोल्स हैं वो ले लो, आरटी और मल्स से मल्टीप्लाई कर दो, वी से डिवाइड कर दो। राइट, अगर हम या इसके अलावा आप कैसे निकाल सकते हैं पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या होगा,
मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पी टोटल एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ सिमिलरली ए आप कैसे बता सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी टोटल राइट। अब देखिए यहां पे टोटल प्रेशर वेरी हो रहा है, जैसे आपने इनर्ट गैस का एडिशन किया टोटल प्रेशर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, सोचिए, बिकॉज आपने वॉल्यूम तो कॉन्स्टेंट कर रखा है, आप क्या कर रहे हैं इसके अंदर गैस मिलाए जा रहे हैं, इसके अंदर गैस को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो नंबर ऑफ गैसेस मोल्स बढ़ेगा, तो प्रेशर तो क्या हो रहा है यहां पर इंक्रीज हो रहा है टोटल प्रेशर राइट, टोटल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। बट अगर हम मोल फ्रैक्शन की बात करें, मोल फ्रैक्शन इनिशियली क्या था, अच्छा चलिए यहां पे हम पहले इनिशियल की बात करते हैं, इनिशियली कुछ टोटल प्रेशर था राइट, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इसको हम लेते हैं इनिशियली राइट, तो इनिशियली कुछ टोटल प्रेशर था, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या था, मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स, इनिशियली तो यहां पे ए और बी ही तो प्रेजेंट थे राइट, ए के मोल्स कितने थे एन ए, बी के मोल्स कितने थे एन बी, तो यहां पे एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी मोल्स अपॉन टोटल मोल इंटू पी टोटल राइट, तो ये क्या होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी आपको मिलेगा। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पी टोटल राइट, तो ये क्या होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ठीक है। अब देखिएगा यहां पर हुआ क्या, जब आपने इनर्ट गैस का एडिशन किया तो सपोज यहां पे मान लेते हैं मोल्स ऑफ हीलियम, कुछ मोल्स ऑफ हीलियम के एड किए तो टोटल प्रेशर यहां पे क्या होने वाला है इंक्रीज होने वाला है। तो अब सेकंड हम बात करें आफ्टर एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, आफ्टर एडिशन ऑफ इनर्ट गैस अब यहां पे क्या होगा पी टोटल, बिकॉज अब आपने इनर्ट गैस का एडिशन किया तो नंबर ऑफ गैसेस मोल्स क्या होंगे, आप क्या बोलेंगे नंबर ऑफ गैसियस मोल्स इन कंटेनर इंक्रीजेस, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स इसका मीन्स इंक्रीज हो गए हैं। अब आपने वॉल्यूम तो कॉन्स्टेंट रखा था, वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होने वाला है बट नंबर ऑफ गैसेस मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं, सो पी टोटल क्या हो जाएगा यहां पर इंक्रीज हो जाएगा राइट समझ गए। तो यहां पे टोटल प्रेशर क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। अब अगर टोटल प्रेशर यहां पर इंक्रीज हो गया है तो यहां पे टोटल प्रेशर इंक्रीज हुआ राइट। अब मोल फ्रैक्शन की बात करें, अब यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा, मोल्स ऑफ बी अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ हीलियम। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा, मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ हीलियम। तो अब अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की बात करें तो ये किसके बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डैश इनटू पी टोटल डैश राइट। तो ये किसके बराबर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डैश क्या होगा यहाँ पे एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस मोल्स ऑफ हीलियम इंटू पी टोटल एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कितना होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इसको भी पी ए डैश ले लेते हैं, पी बी डैश मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पी टोटल डैश राइट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा, मोल्स ऑफ बी अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ हीलियम इंटू पी टोटल डैश। अब देखिए जैसे ही आपने इनर्ट गैस मिलाया टोटल प्रेशर क्या हुआ यहां पर इंक्रीज हुआ, बट साइमल्टेनियसली हीलियम के एडिशन से यहां पर मोल फ्रैक्शन क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। यहां पे टोटल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है बट मोल फ्रैक्शन क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो इन दोनों के प्रोडक्ट से जो आपको पार्शियल प्रेशर मिलता है वो वही वाला मिलता है जो इनिशियल था ठीक है। तो यहां पर पॉइंट क्या है कि अगर आप कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर इनर्ट गैस का एडिशन कर रहे हैं तो वहां पर पार्शियल प्रेशर में कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है, तो वहां पर इक्विलिब्रियम पर भी डिस्टरबेंस नहीं होगा। पार्शियल प्रेशर में कोई वेरिएशन नहीं आ रहा तो जो केपी का रेशियो है, यानी आपने क्या लिया था केपी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, तो अगर यहां पे ये पीबी चेंज नहीं हुआ पीए चेंज नहीं हुआ तो इनके रेशियो का वैल्यू भी चेंज होने वाला नहीं है। तो
पॉइंट क्या है अगर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे, ये क्लियर है कि ये इंक्रीज हुआ और ये डिक्रीज हुआ, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो उतना ही रहता है जितना इनिशियल था, ठीक है। तो पॉइंट क्या है, अगर आप कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर इनर्ट गैस का एडिशन कर रहे हैं तो पार्शियल प्रेशर वहां पर कंपोनेंट के वेरी नहीं हो रहे हैं, इसलिए इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा, इक्विलिब्रियम जैसे चल रहा था वैसा का वैसा ही चलता रहेगा, क्लियर। सेकंड बात करते हैं एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। अब इससे पहले हमने क्या किया था, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रखा था, अब हमें क्या करना है, इनर्ट गैस के एडिशन के बाद जो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है उसको चेंज होने नहीं देना है, जो इक्विलिब्रियम पे प्रेशर था वही प्रेशर आपको मेंटेन करके रखना है। तो इससे जो इफेक्ट आएगा उसको समझने के लिए यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं कि सपोज आपको कोई रिएक्शन की बने, ठीक है, सपोज ए से बन रहा है टू बी, राइट, कंटेनर का वॉल्यूम वी है, इस वी वॉल्यूम कंटेनर में और पी प्रेशर पर यह रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, ठीक है, इस V वॉल्यूम कंटेनर में P प्रेशर पे ये रिएक्शन प्रोसीड हो रही है एट इक्विलिब्रियम, राइट, और यहां पर इक्विलिब्रियम में जो A का प्रेशर है पार्शियल प्रेशर PA है और B का पार्शियल प्रेशर PB है, ठीक है, इक्विलिब्रियम पर A का पार्शियल प्रेशर PA है और B का पार्शियल प्रेशर PB है, अभी ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, राइट, तो अगर हम इसका KP कैलकुलेट करना चाहें तो KP क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, राइट, यही होगा केपी, क्या होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। अब यहां पे हमें क्या करना है, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए इनर्ट गैस का एडिशन करना है, तो अब हम क्या करते हैं यहां पे इनर्ट गैस एडिशन करते हैं, अब इनर्ट गैस के एडिशन से क्या होगा, कंटेनर के अंदर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स बढ़ेंगे, गैसियस मोल्स बढ़ेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, बट आपको प्रेशर कांस्टेंट रखना है, तो अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है आपको इंक्रीज होने नहीं देना, तो आप क्या करेंगे, वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे, वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो जो प्रेशर इंक्रीज हुआ था वो वापस से डिक्रीज हो जाएगा, तो मुझे यहाँ पे गैस का एडिशन भी करना है और प्रेशर भी नहीं बढ़ने देना, अगर मुझे प्रेशर बढ़ने से रोकना है तो मैं क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है, तो इतना क्लियर है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे इनर्ट गैस का एडिशन कर रहे हैं बट आपको प्रेशर कॉन्स्टेंट रखना है, तो जो नया कंडीशन होगा उस पर प्रेशर तो पी ही रहेगा बट वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, राइट। अब हम यहां पर इतना इनर्ट गैस एडिशन कर देते हैं कि यहां पे वॉल्यूम कितना हो जाए, डबल हो जाए सपोज, ठीक है, such amount of inert gas added that volume of container becomes double, ठीक है, मैं लिख भी देता हूं, such amount of inert gas added that volume becomes डबल, ठीक है, इतना इनर्ट गैस हमने मिलाया कि यहाँ पे कंटेनर का वॉल्यूम क्या हो गया, डबल हो गया, प्रेशर पी ही रखना है, इनर्ट गैस मिलाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा बट आपको प्रेशर कम रखना है, प्रेशर उतना ही रखना है तो उस प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए वॉल्यूम बढ़ाना पड़ा, ठीक है, आपने इतना इनर्ट गैस मिलाया कि वॉल्यूम क्या हो गया, डबल हो गया, ठीक है, तो वॉल्यूम वी से कितना हो गया, टू वी हो गया। अब यहाँ पे इनिशियली इक्विलिब्रियम पे, सॉरी इनिशियली रिएक्शन क्या थी, इक्विलिब्रियम पर थी, इक्विलिब्रियम पे प्रेशर क्या था, पीए और पीबी, पार्शियल प्रेशर ऑफ पीए एंड पीबी। अब देखिएगा यहां पे वॉल्यूम V था, अब यहां पे वॉल्यूम क्या हो गया, 2V, तो यहां पे इक्विलिब्रियम पे कुछ मोल्स रहे होंगे इसके, अब सपोज इसके जितने मोल्स थे वो पहले V वॉल्यूम में थे, अब 2V वॉल्यूम में है, तो अगर आप वॉल्यूम डबल कर देते हैं तो प्रेशर क्या हो जाता है, अगर आप वॉल्यूम डबल कर दें, अच्छा यहां पे ये पॉइंट भी रखें, इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर भी इन दोनों कंडीशन में जो इनिशियली वाला लिया था उसमें भी टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसमें भी टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हमने क्या किया, कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम डबल कर दिया, वॉल्यूम डबल कर देंगे तो प्रेशर हाफ, नाउ पार्शियल प्रेशर बिकम हाफ, क्यों हाफ हो गया, क्योंकि आपने वॉल्यूम को क्या कर दिया, इनिशियल वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में वॉल्यूम डबल कर दिया, तो अगर मैं इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग देखूं तो यहां पे अगर प्रेशर पहले पीए था तो यहां पे वॉल्यूम डबल होने पर
बिकॉज वॉल्यूम क्या होता है, प्रेशर के इनवर्स रिलेशन होता है, बोयल्स लॉ। ठीक है, तो हाफ हो गया। सो पी ए डैश नया पार्शियल प्रेशर ए का कितना होगा, पी ए बाई टू जो इनिशियल था उसका हाफ, और पी बी डैश नया पार्शियल प्रेशर बी क्या होगा, पी बी बाई टू, तो इनिशियल का हाफ, दोनों का पार्शियल प्रेशर हो गया। अब हम क्या करें, यहाँ पे क्यूपी चेक करें कि इस प्रेशर के अकॉर्डिंग क्या रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होगी क्या, यानी अगर यही रेशियो आपको मिल जाता है पीबी स्क्वायर अपॉन पीए तो मींस रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट अगर ये नहीं मिलेगा तो मींस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो चुका है। तो क्यूपी क्या होगा, पीए डैश सॉरी पीबी डैश स्क्वायर अपॉन पीए डैश, तो पीबी डैश आपको कितना मिला, पी बी बाय टू स्क्वायर अपॉन पी ए बाय टू, सो क्यू पी विल बी इक्वल टू पी बी स्क्वायर अपॉन पी ए, ये क्या था टू स्क्वायर कितना फोर, या फोर अपॉन में आएगा ये टू ऊपर जाएगा तो कितना होता है टू। तो क्या अब कंपेयर कीजिए क्यू पी और के पी बराबर हैं क्या, यस और नॉट, नहीं है। तो यहां पे क्या रिलेशन है, QP is less than KP, तो अगर QP KP से कम होता है तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो यहां पर क्या होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। क्लियर है, ठीक है। तो अब यहां पे आपको क्या कंक्लूजन मिला, अभी देखिए यहां पे जो हमने देखा था वो रिएक्शन कैसा था, A से क्या बना है 2B, यहां पे डेल्टा N कैसा है, डेल्टा N पॉजिटिव है। ठीक है, तो अगर डेल्टा N पॉजिटिव है वहां पे आप कॉन्स्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस का एडिशन कर रहे हैं तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे हमने वॉल्यूम को इंक्रीज किया था, ठीक है, डबल करें, ट्रिपल करें, फोर टाइम्स कर दें, टेन टाइम्स कर दें, तो भी रिलेशन आपको यही मिलने वाला है कि रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में, क्यूपी का वैल्यू केपी से कम ही मिलेगा, यानी रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही शिफ्ट होगी। ठीक है, अभी ये तो हमने कंडीशन किसके लिए ली थी, डेल्टा एन पॉजिटिव के लिए, अब यही कंडीशन हम डेल्टा एन नेगेटिव के लिए ले लेते हैं। तो सेकंड कंडीशन की हम बात करें, डेल्टा एन नेगेटिव, तो डेल्टा एन नेगेटिव में क्या करें, टू ए से बी बना दें, राइट, तो टू ए से बी बन रहा है, वॉल्यूम वी है, प्रेशर पी है, यहां पे पार्शियल प्रेशर ए का पी ए ले लेते हैं, पार्शियल प्रेशर बी का पी बी ले लेते हैं, तो इसका केपी क्या होगा, पी बी अपॉन पी ए स्क्वायर, आप इसको फिर से नोट कीजिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने यहां पे बता दिया तो आप इसको यहां पे ऐसे ही कर दें, आप फिर से नोट कीजिएगा। तो केपी क्या होगा, पी बी अपॉन पी ए स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इसमें इनर्ट गैस का एडिशन करते हैं, इतने इनर्ट गैस का एडिशन करें कि वॉल्यूम क्या हो जाए, डबल हो जाए, बिकॉज आप इनर्ट गैस जब मिलाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, बट प्रेशर आपको कॉन्स्टेंट रखना है, तो आपने क्या किया, वॉल्यूम बढ़ा दिया, तो आपने इतना इनर्ट गैस मिलाया कि वॉल्यूम वहां पे डबल हो गया, बट प्रेशर वही है, टोटल प्रेशर। ठीक है, ये P कौन सा है, टोटल प्रेशर, और ये कौन से प्रेशर की हम बात करें, पार्शियल प्रेशर। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इतना इनर्ट गैस मिलाया कि वॉल्यूम डबल हो गया, तो पर्टिकुलर कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, पर्टिकुलर कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। अच्छा, हो सकता है आपके माइंड में ये पॉइंट आए कि इनिशियली इसका प्रेशर पी ए था, इसका प्रेशर पी बी था, यहां पे टोटल प्रेशर क्या है, पी ए प्लस पी बी, राइट। अब क्या हुआ, जब आपने इनर्ट गैस मिलाई तो यहां पे टोटल प्रेशर कितना रह गया, पी ए बाय टू प्लस पी बी बाय टू, मीन्स पी ए प्लस पी बी बाय टू। अब टोटल प्रेशर इनिशियल के बराबर तो नहीं हो रहा, नहीं होगा ना भाई, क्योंकि वहां पे कुछ इनर्ट गैस भी है, वो भी तो कुछ प्रेशर लगा रही है, इसलिए यहां पे जब आप इनर्ट गैस मिलाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो इन कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर चेंज होने हैं। हम क्या कर रहे हैं, इतना इनर्ट गैस मिला रहे हैं कि वॉल्यूम क्या हो जाए, जस्ट डबल, वॉल्यूम डबल हो जाएगा तो पर्टिकुलर कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। तो पी ए क्या, पी ए डैश क्या होगा, पी ए बाय टू, पी बी डैश क्या हो जाएगा, पी बी बाय टू। अब यहां से हम क्यूपी की बात करें, सो क्यूपी क्या होगा, पी बी डैश अपॉन पी ए डैश स्क्वायर, सो क्यूपी विल बी इक्वल टू पी बी डैश कितना है, पी बी बाय टू, और पी ए डैश कितना है, पी ए बाय टू स्क्वायर, राइट। तो क्या बचेगा यहां पे, ये स्क्वायर कितना होगा, फोर, फोर ऊपर जाएगा, टू नीचे आएगा, तो बचेगा क्या फाइनली, टू पी बी अपॉन पी ए स्क्वायर, राइट। कंपेयर करें केपी और क्यूपी को, कंपेयर करें, क्या समझ पा रहे हैं कि क्यूपी का वैल्यू क्या हो गया, केपी से ज्यादा हो गया, राइट। अगर क्यूपी का वैल्यू, रिएक्शन कोएफिशिएंट का वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ज्यादा होता है, क्यूपी का वैल्यू अगर केपी से ज्यादा है, तो इसका मींस क्या हुआ,
क्यूपी क्या होता है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के एक्टिव मास का रेशियो। तो इसका मीन्स क्या है यहाँ पे कि इस कंडीशन पर प्रोडक्ट का अमाउंट इक्विलिब्रियम वाली अमाउंट से ज्यादा है, यानी रिएक्टेंट का अमाउंट कम है, प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा है। तो प्रोडक्ट को कम करने के लिए रिएक्शन कहां शिफ्ट होगी, बैकवर्ड शिफ्ट होगी। राइट, तो अब यहां पे रिएक्शन किधर शिफ्ट हुई, बैकवर्ड शिफ्ट हो रही है। कब, जब डेल्टा एन नेगेटिव है। तो यहां पर वापस हम देख लें, इससे पहले जो हमने डेल्टा एन पॉजिटिव की बात की थी, ये पूरा नोट कीजिएगा, मैं यहां पे इसको क्लीन करके लिख देता हूं कि यहां पे जब हमने डेल्टा एन पॉजिटिव की बात की थी, तो वहां पे रिएक्शन क्या हुआ था, क्यूपी का वैल्यू आपको केपी से कम मिला था, तो रिएक्शन कहां फॉरवर्ड शिफ्ट हो रही थी। अब यहां पे 2A से बन रहा है B, क्यूपी का वैल्यू केपी से ज्यादा है, तो रिएक्शन कहां शिफ्ट हो रही है, अब यहां पर बैकवर्ड शिफ्ट हो रही है। राइट, अब इसका मीनिंग क्या है, यहां पे फॉरवर्ड शिफ्ट हुई, इधर बैकवर्ड शिफ्ट हुई, तो हम यहाँ पे मोटा मोटा इसको देख के समझ पा रहे हैं कि रिएक्शन उस डायरेक्शन में जा रही है जिधर गैसेस मोल ज्यादा है। यहाँ पे 2 मोल थे तो रिएक्शन फॉरवर्ड में आई, यहाँ पे 2 मोल थे तो रिएक्शन बैकवर्ड में आ रही है। इसका मींस अगर आप कॉन्स्टेंट प्रेशर पर इनर्ट गैस का एडिशन करते हैं तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगी, जिधर गैसेस मोल्स ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हो। राइट, ये सिमिलर वैसा ही है कि आपने कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ाया तो प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगी, जिधर गैसेस मोल्स ज्यादा बन रहे हो। डेल्टा एन पॉजिटिव होता है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और अगर डेल्टा एन नेगेटिव होता है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट होती है। डेल्टा एन जीरो है, फिर डेल्टा एन जीरो है तो कुछ इफेक्ट रहना नहीं है क्योंकि दोनों तरफ गैसेस मोल्स क्या है, बराबर। सो ऑन एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर रिएक्शन विल शिफ्ट, नोट कीजिएगा आप भी साथ के साथ, विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन, इन विच गैसेस मोल्स इंक्रीजेस। राइट, तो डेल्टा एन जीरो है तो इसमें क्या होगा, नो शिफ्ट। अगर डेल्टा एन पॉजिटिव है तो कहां हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और अगर डेल्टा एन नेगेटिव है तो कहां जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। क्लियर, तो ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर आप कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर इनर्ट गैस का एडिशन करें तो कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है, बट अगर कॉन्स्टेंट प्रेशर पे आपने इनर्ट गैस का एडिशन किया तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होती है, जिधर गैसेस मोल्स ज्यादा बन रहे हो। क्लियर, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। यस, अभी जब हमने यहां पे फर्स्ट पॉइंट देखा था ली चेटले का इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, तो आपको वहां पर बताया था कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट, सपोज ये वाला बताया था ए से बन रहा है बी, सी से और सीओडी, अगर इक्विलिब्रियम पर आप सपोज ए का कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो जो फाइनल इक्विलिब्रियम आएगा, बिकॉज कंसंट्रेशन चेंज करने पर किसी भी कंपोनेंट की, अगर सभी गैसेस कंपोनेंट है तो यहाँ पे कंसंट्रेशन चेंज करने पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। अब जो नया इक्विलिब्रियम आएगा उस पर ए का कंसंट्रेशन इनिशियल के रेस्पेक्ट में ज्यादा होगा, बी का कम होगा, सी का ज्यादा होगा और डी का भी ज्यादा होगा। ये पॉइंट हमने देखा था कब, जब हम यहाँ पे अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज कर रहे हैं तो। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे कंटेनर का वॉल्यूम चेंज कर देंगे तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम रेशियो से क्या मिलता है आपको, मोलेरिटी। तो अगर आपने वॉल्यूम चेंज किया तो कंसंट्रेशन भी क्या होगा, वहां पे चेंज होगी, बट अगर चेंज हो रही है तो किसका इंक्रीज हो रहा है, किसका डिक्रीज हो रहा है वो हम देखते हैं। बिकॉज जो हमने फर्स्ट टॉपिक देखा था उसमें तो हमने देख लिया कि जिसके नंबर ऑफ मोल्स आपने मिला है उसका जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो इनिशियल के रेस्पेक्ट में ज्यादा होगा, प्रोडक्ट जो भी है गैसेस प्रोडक्ट उनका कंसंट्रेशन इनिशियल के रेस्पेक्ट में ज्यादा होगा, और जिसका कंसंट्रेशन, जिस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आपने चेंज किया है उसके अलावा भी अगर कोई रिएक्टेंट प्रेजेंट है तो उसका कंसंट्रेशन इनिशियल इक्विलिब्रियम के रेस्पेक्ट में नए इक्विलिब्रियम पर कम हो जाएगा। ठीक है, अब वही हम यहाँ पे प्रेशर को चेंज करके देखते हैं कि सपोज अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो जो नया, ये क्लियर है कि इक्विलिब्रियम चेंज हो रहा है
राइट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं हो रहा, ये बिल्कुल ध्यान रखें। हम क्या बोल रहे हैं, इक्विलिब्रियम चेंज हो रहा है, यानी किसी इक्विलिब्रियम पे अगर कुछ कंसंट्रेशन थी तो नए इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, बट उनका रेशियो वही है जो इनिशियल था। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रेशर को चेंज करेंगे। अगर प्रेशर चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, राइट। हमने क्या किया यहाँ पे, सपोज कोई पिस्टन है, उस पिस्टन को हमने प्रेस कर दिया, तो अगर आपने वहां पे प्रेशर बढ़ा दिया या फिर प्रेशर कम कर दिया तो कंसंट्रेशन पे किस तरीके से इफेक्ट आ रहा होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं कि सपोज आपको गिवन है ए से, ए और बी की रिएक्शन से सी बन रहा है, राइट। अब यहां पे इनिशियली इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन है, एट इक्विलिब्रियम इसका वन मोल है, इसका भी वन मोल है और इसका भी वन मोल है, ठीक है, सभी के वन मोल है, राइट। सपोज यहां पे इसका वॉल्यूम ले लेते हैं, इस कंटेनर का वॉल्यूम इनिशियली 1 लीटर है, राइट, वॉल्यूम 1 लीटर है। तो अभी अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है तो इसका हम केसी तो निकाल सकते हैं। केसी क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, मींस एक्टिव मास ऑफ सी अपॉन एक्टिव मास ऑफ ए एंड एक्टिव मास ऑफ बी। तो यहां पे वॉल्यूम 1 लीटर है तो 1/1, 1/1, 1/1 सबका कंसंट्रेशन क्या होगा, 1 होगा, तो इसका केसी क्या होगा, 1 आ जाएगा, राइट। इसका यूनिट देख लेना, हम अभी यूनिट का बात नहीं कर रहे, मैग्नीट्यूड वाइज देख लेते हैं। तो केसी का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। अब हम क्या करते हैं, वॉल्यूम चेंज कर देते हैं, प्रेशर बढ़ा दिया, राइट। सपोज यहां पे प्रेशर पी था, हम प्रेशर को अब कर देते हैं 2p। अगर आपने प्रेशर को डबल कर दिया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अगर आपने प्रेशर को बढ़ा दिया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अब वॉल्यूम हाफ हो गया तो अब यहाँ पे 1 मोल इसका था, 1 मोल इसका था, 1 मोल इसका था, तो इसी मोल्स के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे अब इनकी कंसंट्रेशन देखना चाहें तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम, इनका कंसंट्रेशन क्या होगा, मोलरिटी, मोल्स अपॉन वॉल्यूम 1/1/2 मीन्स 2 मोलर हो जाएगा, मोल्स अपॉन वॉल्यूम 1/1/2 मीन्स 2 मोलर हो जाएगा, मोल्स अपॉन वॉल्यूम 1/1/2 मीन्स 2 मोलर हो जाएगा। अब इनका ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आपको मिल गया। तो अब अगर आप यहाँ पे क्यूसी निकालना चाहें तो क्यूसी क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ सी अपॉन एक्टिव मास ऑफ ए एक्टिव मास ऑफ बी। चेक कर लें, अगर क्यूसी का वैल्यू केसी से बराबर आ गया तो मीन्स इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं हुआ है, यानी यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्यूसी का वैल्यू, सी का वैल्यू कितना है, 2 मोलर अपॉन 2 × 2, तो ये कितना बचा, 1/2। तो केसी का वैल्यू पहले कितना था, 1, क्यूसी का वैल्यू कितना मिला, हाफ, यानी क्यूसी इज लेस देन केसी, ये 0.5 है, तो क्यूसी का वैल्यू केसी से कम हो गया। तो अगर क्यूसी का वैल्यू केसी से कम होता है तो यानी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है, इनिशियल केसी और क्यूसी दोनों बराबर नहीं है, यानी अगर ये दोनों बराबर होते तो मींस इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं हुआ होता। तो हम क्या बोलते थे, सीधा सीधा सबका कंसंट्रेशन 2 मोलर हो गया, मीन्स इंक्रीज हो गया। बट यहाँ पे क्यूसी का वैल्यू क्या हो गया, केसी के रेस्पेक्ट में कम है, तो अगर क्यूसी का वैल्यू केसी के रेस्पेक्ट में कम होता है तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होती है, फॉरवर्ड शिफ्ट होता है, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने वाली है। अब देखिए यहां पर इसको क्लीन करते हैं। अब अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी तो जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी तो वहां पर अब नई कंसंट्रेशन आपको कितना मिलेगा, तो देख लेते हैं कि यहां पर कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट आने वाला है जब आपने वॉल्यूम को क्या कर दिया है, हाफ कर दिया है, प्रेशर को डबल कर दिया। तो देख लेते हैं यहां पर कि पहले नंबर ऑफ मोल्स कितना था, 1 मोल, 1 मोल एंड 1 मोल, ठीक है। अब यहाँ पे रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड शिफ्ट होगी, तो इनके कुछ मोल्स कम होंगे, 1 में से सपोज x मोल कम हुआ, 1 में से भी 1:1 का रेशियो है, अगर यहाँ से x मोल कम हो रहा है तो यहाँ से भी कितना मोल्स कम होगा, x मोल, यहाँ पे कितना बनेगा, 1+x मोल, राइट। अब पहले वॉल्यूम कितना था, 1 लीटर, यहाँ पे वॉल्यूम कितना था, 1 लीटर, यहाँ पे वॉल्यूम आपने कितना कर दिया, 1/2 लीटर, प्रेशर डबल कर दिया तो वॉल्यूम हाफ हुआ ना। तो अब यहाँ पे कंसंट्रेशन कितना होगा, कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा इनका, 1 - x/2, यानी 2 × 1 - x, इधर कितना होगा, 1 - x/2 मीन्स 2 × 1 - x, और 1+x/2 मीन्स 2 × 1+x, तो ये इन कंपोनेंट का आपको कंसंट्रेशन मिल गया। अब जब यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ये हमने कंडीशन क्या ली है, ये कंसंट्रेशन किसकी हो गई, इक्विलिब्रियम की, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर ये कंसंट्रेशन है, ठीक है। अब जब नया इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो इनका रेशियो, कि अगर हम एक्टिव मास ऑफ सी
एक्टिव मास ऑफ ए एंड एक्टिव मास ऑफ बी का रेशियो ले लें तो ये किसके बराबर आना चाहिए, केसी के बराबर आना चाहिए। तो एक्टिव मास ऑफ सी कितना है, 2 इंटू 1 प्लस एक्स। एक्टिव मास ऑफ ए कितना है, 2 इंटू 1 प्लस एक्स। एक्टिव मास ऑफ बी कितना है, 2 इंटू 1 प्लस एक्स, राइट, सॉरी 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स। एक टू से एक टू कैंसिल आउट कर दें, राइट। अब इनका रेशियो केसी कितना था हमारा, इनिशियली केसी का रेशियो हमने कितना निकाला था, 1 निकाला था, तो 1 के इक्वल कर दो तो कितना बचेगा, 1 प्लस एक्स इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स इक्वल टू 2 इंटू ए माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहां से आप x का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए तो आपको एग्जैक्टली पता लगेगा कि इक्विलिब्रियम जो नया अचीव हुआ है उस पर पर्टिकुलर कंपोनेंट की कंसंट्रेशन इनिशियल के रेस्पेक्ट में इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई। तो अब यहाँ पे 1 प्लस एक्स इक्वल टू मल्टीप्लाई करें 2 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x, तो कितना होगा यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। x का वैल्यू निकालिए, क्वाड्रेटिक यहाँ पे बन रहा है प्लस माइनस, सॉरी माइनस बी, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, शायद क्वाड्रेटिक अब तो आपको होपफुली आने लगी होगी, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी अपॉन 2a, राइट। तो माइनस माइनस कितना, प्लस 5 प्लस माइनस 25 माइनस 4 टू जा 8 अपॉन 4, तो कितना हो जाएगा 5 प्लस माइनस कितना है 17 अपॉन 4। सो x विल बी इक्वल टू 5 प्लस माइनस 17 का रूट होता है 4.12 अपॉन 4। अब यहां से बात आती है कि x का तो दो वैल्यू पॉसिबल है, तो कौन सा वैल्यू लेंगे। x का वैल्यू 1 से तो बड़ा नहीं हो सकता, डेफिनेटली 1 से छोटा ही होगा, तो अगर आप यहाँ पे प्लस कर देंगे तो x का वैल्यू 1 से बड़ा आ जाएगा, तो आपको x का वैल्यू 1 से छोटा चाहिए। तो x कितना होगा, 5 माइनस 4.12 बाय 4, मींस कितना है 5 माइनस 4.12, कितना डिफरेंस आ रहा है 0.78 बाय 4, राइट। तो ये आपको x का वैल्यू मिल गया, डिवाइड कर दीजिए 0.22 दा, सॉरी कितना आ रहा है, सॉरी 0.88 बाय 4, तो कितना होगा 0.22 मोल, बिकॉज x क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, तो आपको x का वैल्यू मिल गया। अगर x का वैल्यू मिल गया तो a के नए इक्विलिब्रियम पे मोल्स मिल जाएंगे, b के इक्विलिब्रियम पे नए मोल्स मिल जाएंगे, C के मोस्ट नए इक्विलिब्रियम पे मिल जाएंगे, तो इसको वॉल्यूम से डिवाइड कीजिएगा तो कंसंट्रेशन आपको मिलेगी, राइट। अभी हम जो पॉइंट कैलकुलेट कर रहे हैं वो कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, मोल्स का नहीं कर रहे। मोल्स तो डेफिनेटली इसके डिक्रीज होंगे और इसके इंक्रीज होंगे, बट हम कंसंट्रेशन देखना चाह रहे हैं, सभी की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी। तो अब A के मोल्स की बात करें, सो मोल्स ऑफ A कितना होगा, 1 माइनस x means 1 माइनस x का वैल्यू कितना है 0.22, तो ये कितना होगा 0.78 मोल, करेक्ट। मोल्स ऑफ b कितना होगा, 1 माइनस x means 1 माइनस 0.22 means 0.78 मोल, एंड मोल्स ऑफ c कितना होगा, 1 प्लस x means 1 प्लस 0.22 means 1.22 मोल, क्लियर। तो यहां पे इतने इतने इनके मोल्स होंगे। अब अगर आपको मोल्स मिल गए तो कंसंट्रेशन निकाल लीजिए, कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना होगा, मोल्स ऑफ ए अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना, 1 बाय 2, 0.78 अपॉन हाफ, तो कितना होगा 1.56 मोलर, राइट। कंसंट्रेशन ऑफ बी कितना होगा, मोल्स ऑफ बी अपॉन वॉल्यूम कितना, 0.78 अपॉन हाफ मींस 1.56 मोलर, एंड मोल्स ऑफ सी कितना होगा, मोल्स ऑफ, सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ सी, मोल्स ऑफ सी अपॉन वॉल्यूम, यानी 1.22 अपॉन वॉल्यूम कितना है हाफ, तो कितना होगा 2.44 मोलर, क्लियर। अब इनिशियली कितना था, ए का 1 मोलर था, बी का 1 मोलर था, सी का भी 1 मोलर था। अब इनिशियल के रेस्पेक्ट में 1 मोलर से 1.56, 1 मोलर से 1.56 और 1 मोलर से 2.44 मोलर हो गया है। तो इसका मींस अगर आप वॉल्यूम को कम कर रहे हैं प्रेशर बढ़ाकर, तो वहां पे क्या हो रहा है, हर कंपोनेंट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है,
इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो अगर आप यहां पे वॉल्यूम कम कर रहे हैं तो प्रेशर क्या, सॉरी प्रेशर बढ़ा के वॉल्यूम को कम कर रहे हैं, तो जो नया इक्विलिब्रियम अचीव होगा उस नए इक्विलिब्रियम पे सभी कंपोनेंट का कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में क्या होगा, हायर लेवल पे होगा, ज्यादा होगा। क्लियर। हम ये वर्ड किसके लिए बोल रहे हैं, कंसंट्रेशन के लिए। मोल्स में तो क्या होगा, अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हुई तो रिएक्टेंट के नए मोल्स इनिशियल से कम होंगे और प्रोडक्ट के नए मोल्स इनिशियल के रिस्पेक्ट में ज्यादा होंगे। हम ये पॉइंट किसके लिए बोल रहे हैं, कंसंट्रेशन के लिए, कि नई कंसंट्रेशन इनिशियल इक्विलिब्रियम के रिस्पेक्ट में ज्यादा मिलेगी नए इक्विलिब्रियम पर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं कि जो हमने ली चैटले प्रिंसिपल पढ़ा है उसका यूज किया है, कि कहीं पर जो भी रिएक्शन हो रही है अगर इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है तो आप उस इक्विलिब्रियम को समझने का वहां से एक मेथड आपको मिलता है, या एक कुछ वहां से कुछ पॉइंट्स मिलते हैं जिससे आप उस इक्विलिब्रियम को समझ सकते हो, या उस इक्विलिब्रियम पे कुछ चेंज करने पर रिएक्शन पे या प्रोसेस पे क्या चेंज, क्या इफेक्ट आ रहा है उसको आप समझ सकते हो। सकता है फिजिकल इक्विलिब्रियम हो या केमिकल इक्विलिब्रियम, कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो आप ली चैटले प्रिंसिपल की हेल्प से ये पता लगा सकते हो कि अगर आपको प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा बनाना है तो उसके लिए रिएक्शन पर क्या क्या चीजें आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें हम फर्स्ट देखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ ली चैटले प्रिंसिपल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, राइट। अब वेपर प्रेशर का डेफिनेशन क्या होता है उसके लिए हम समझे कि सपोज एक कंटेनर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, तो एक कंटेनर में सपोज हमने वॉटर ले रखा है, ठीक है, क्लोज कंटेनर है, तो यहां पे क्या होगा, वॉटर वेपोराइज होगा, इवोपरेशन होगा, कुछ टाइम पर इसका कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। जब इक्विलिब्रियम आएगा तो वो पॉइंट होगा जब रेट ऑफ इवोपरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन आपस में क्या होगी, बराबर होगी। ये आपको इनिशियल में बताया था। तो यहां पे जब रेट ऑफ इवोपरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन कंडेंसेशन के इक्वल हो जाएगी तो उस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, इक्विलिब्रियम बोल देंगे। उस पॉइंट पर क्या होगा, लिक्विड के जो मोल्स थे और वेपर के जो मोल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। नंबर ऑफ गैसेस मोल्स, नंबर ऑफ लिक्विड के मोल्स क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो अगर यहाँ पे वेपर के मोल्स कांस्टेंट है तो उसकी वजह से जो प्रेशर लग रहा होगा वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो जब लिक्विड इक्विलिब्रियम पर आ जाता है तो इक्विलिब्रियम पे लिक्विड की वेपर के थ्रू लिक्विड की सरफेस पर जो भी प्रेशर लगता है, क्या है पॉइंट डेफिनेशन, कि लिक्विड की वेपर के थ्रू लिक्विड की सरफेस पर जो भी प्रेशर लग रहा होता है इक्विलिब्रियम पर, पॉइंट टू बी नोटेड, इक्विलिब्रियम की ही हम बात कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम पर लिक्विड की वेपर के थ्रू लिक्विड के सरफेस पर जो भी प्रेशर लग रहा है उसे ही हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं, राइट, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो अगर हम वॉटर के रेस्पेक्ट में बात करें तो H2O लिक्विड जब यहां पर वेपर के साथ इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा तो इसके थ्रू इसकी सरफेस पे जो भी प्रेशर एग्जर्ट हो रहा होगा उसे ही हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ वॉटर। वेपर प्रेशर ऑफ वॉटर को एक्वस टेंशन भी बोला जाता है, तो एक्वस टेंशन लिखा हुआ है तो उसका मीनिंग वेपर प्रेशर ही आपको लेना है। ठीक है, अब अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करूं, केपी की बात करूं, तो इस रिएक्शन का केपी क्या होगा, अब ये लिक्विड है ये वेपर है तो ये होमोजेनस इक्विलिब्रियम हुआ या हेटेरोजेनस, हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम। तो हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम में आपको क्या बोला था, प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड का एक्टिव मास क्या लिया जाता है, 1 लिया जाता है। तो यहां पे इसका एक्टिव मास कितना होगा, 1। अब यहां पे बचा कौन, ये H2O गैस बचा, तो केपी क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ वॉटर के बराबर होगा। ठीक है, अब यहां पे केपी किस पर डिपेंड करता है, ओनली टेम्परेचर पर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली। ठीक है, अभी हम कोफिशिएंट की बात नहीं कर रहे, हम यहां पे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बात करें कि यहां पे केपी किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर ही डिपेंड करेगा। तो अगर ये टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है तो ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट हुआ तो ये भी क्या हुआ, टेम्परेचर डिपेंडेंट हुआ। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। ये पॉइंट बिल्कुल माइंड में रखें कि जब आप सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे लिक्विड का जब वेपोराइजेशन हो रहा है तो इनके बीच में जब इक्विलिब्रियम आया तो उसी पॉइंट को आप क्या बोल रहे हैं, वेपर प्रेशर बोल रहे हैं। इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा होगा उसे ही आप क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। तो केपी किसके बराबर होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ वॉटर के बराबर। तो यहां पर जो केपी होता है वो केवल और केवल टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इसलिए वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड भी क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अगर वॉटर है तो उस वेपर प्रेशर को आप क्या बोलते हैं, एक्वस टेंशन वर्ड यूज में लेते हैं। ठीक है, इसी में हम एक टर्म और यूज में लेंगे, रिलेटिव एक्वस
ह्यूमिडिटी। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता क्या है, ठीक है, अगर आपने न्यूज पढ़ी हो तो न्यूज में आप डेफिनेटली सुनते होंगे कि यहां पर इस एरिया में रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है, इस एरिया में रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा है, ठीक है। तो अभी अगर हम यहाँ पे वॉटर के वेपोराइजेशन की बात करें तो वहां पे क्या होगा, कुछ टाइम बाद जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो अगर आपने टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखा हुआ है तो यहाँ पे लिक्विड की सरफेस के ऊपर नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होते, तो उस कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं, सेचुरेटेड कंडीशन, कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे वॉटर के वेपोराइज हो चुके हैं, उससे ज्यादा नहीं होंगे। इक्विलिब्रियम जब अचीव हो गया तो हम क्या बोलेंगे, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखते हुए हम बात करते हैं, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इस लिक्विड की सरफेस पर नंबर ऑफ मोल्स मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट है, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, अगर इक्विलिब्रियम है तो उससे कम भी नहीं होंगे, राइट। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड कंडीशन, ठीक है। अब एक कंटेनर हमने लिया, ठीक है, इसमें सपोज हीलियम गैस भी है, कोई ए गैस है, सपोज हीलियम है, नियोन है और वॉटर वेपर है, ठीक है। तो यहां पे वॉटर वेपर है, तो अब यहां पर इस मिक्सचर में कुछ प्रेशर लग रहा है पी, तो वॉटर की वजह से भी कुछ प्रेशर होगा, हीलियम की वजह से भी कुछ प्रेशर होगा, नियोन की वजह से भी कुछ प्रेशर होगा, ठीक है। यहाँ पे इन तीनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। सपोज ऐसे समझ लीजिए एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, N2 भी प्रेजेंट है, इनर्ट गैस भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर वॉटर की वजह से कुछ प्रेशर, वॉटर की वेपर की वजह से कुछ प्रेशर होगा, हीलियम गैस की वजह से कुछ प्रेशर होगा, नियोन गैस की वजह से कुछ प्रेशर होगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ वॉटर, वेपर प्रेशर नहीं। वेपर प्रेशर टर्म कब यूज में लेना है, जब वॉटर का वेपर यानी लिक्विड का वेपर उस लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में हो, लिक्विड का वेपर उस लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम पे हो तो ही आप उसको क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर वर्ड यूज में लेते हैं। तो क्या हुआ, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ वॉटर, पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम और पार्शियल प्रेशर ऑफ नियोन। अब यहां पर इस वॉटर वेपर के थ्रू कितना प्रेशर लग रहा है और वो इस वेपर सॉरी इस वॉटर के वेपर के थ्रू कितना प्रेशर लग रहा है, इसका पार्शियल प्रेशर, यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है उसके रेस्पेक्ट में कितना टाइम से, उससे ही हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। यहाँ पे अगर 100 मोल है और यहाँ पे 20 मोल है तो यहाँ का जो मॉइस्चर है वो उसके रेस्पेक्ट में कितना है, 1/5, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ की रिलेटिव ह्यूमिडिटी उसके रेस्पेक्ट में कितनी है, 1/5 है, ठीक है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी डेफिनेशन आप देख लें, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का डेफिनेशन क्या होगा, कि यहाँ पे जो वॉटर का अमाउंट प्रेजेंट है वो सेचुरेटेड रेडिएशन कंडीशन के रेस्पेक्ट में कितना टाइम से, उसे हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो अगर हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करें तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ वॉटर या पार्शियल प्रेशर ऑफ वॉटर या हाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ वॉटर अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ वॉटर एट सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं, सेम टेम्परेचर इंटू 100, तो परसेंटेज में रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपको मिल जाएगा कि यहां पर जो वॉटर वेपर है वो यहाँ पे जो वॉटर वेपर है और जो यहाँ पे वॉटर वेपर है तो यहाँ का वॉटर वेपर इसके रिस्पेक्ट में कितना परसेंट है। तो जब वेपर प्रेशर की आप बात करते हैं उसको आप क्या बोलते हैं, सेचुरेटेड कंडीशन, मीन्स यहाँ पे इससे ज्यादा मोल्स प्रेजेंट नहीं हो सकते। तो अगर यहाँ पे 100 मोल थे, यहाँ पे 20 मोल थे, तो यहाँ का जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसके रेस्पेक्ट में कितना है, 1/5 यानी 20%, क्लियर। तो ये क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं, शायद ये चीजें आपने पढ़ी हुई होगी या सुनी होगी, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस क्या होते हैं, कौन होता है, ऐसे सब्सटेंस जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर देते हैं बट उसमें डिजोल्व नहीं होते, हाइग्रोस्कोपिक। तो ऐसे सब्सटेंस जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं बट उसमें डिजोल्व नहीं होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं, सपोज कोई है आपके पास कोई मेटल क्लोराइड है, सपोज MCl2.6H2O, अगर ये डिसोशिएट हो रहा है, बना रहा है MCl2 सॉलिड
प्लस H2O गैस। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करें कि अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन की बात करें तो बैकवर्ड डायरेक्शन में ये MCl2 क्या कर रहा है, इस वॉटर को, इस मॉइस्चर को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है और अपने साथ ले ले रहा है। ठीक है, तो यहां पे जो मॉइस्चर था वो इसके साथ किस फॉर्म में आ गया है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ गया है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। अगर हम इस रिएक्शन में केपी देखना चाहें तो इसका केपी क्या होगा, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये गैसेस है, तो केपी क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ वॉटर का पावर 6। राइट, सपोज सिमिलरली एक और मेटल क्लोराइड है ZCl2.4H2O सॉलिड, तो ये किसके बराबर, ZCl2 सॉलिड प्लस 4H2O गैस, इसका भी केपी आपको गिवन है पार्शियल प्रेशर ऑफ वॉटर पावर 4। ठीक है, अब आपको इसमें पूछा गया है कि बताओ दोनों में बेटर हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस कौन होगा। बेटर हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस का मींस क्या है, हाइग्रोस्कोपिक कौन है, जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहा हो। अब बेटर हाइग्रोस्कोपिक का मींस क्या है, जो ज्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रहा हो, जो ज्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रहा हो। अब आपको कैसे पता लगेगा कि कौन ज्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रहा है, हम क्या करते हैं, सिमिलर वॉल्यूम वाले दो कंटेनर लेते हैं, एक में आपने MCl2 रख दिया, एक में आपने ZCl2 रख दिया। ठीक है, अब जो ज्यादा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहा होगा उस कंटेनर में मॉइस्चर का अमाउंट कम होगा, जो ज्यादा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहा होगा उसके कंटेनर में मॉइस्चर का अमाउंट क्या होगा, कम। तो जिस सब्सटेंस ने ज्यादा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब किया तो उसके चारों तरफ मॉइस्चर की वजह से जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो जिसमें यहां पर ये पार्शियल प्रेशर का वैल्यू कम है, पार्शियल प्रेशर का वैल्यू जिसमें कम है वो अच्छा हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस होगा। हाइग्रोस्कोपिक मींस क्या है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना। सपोज इस रूम में कोई मॉइस्चर है तो यहां पे किसी सब्सटेंस ने उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया, जितने ज्यादा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब किया तो उसके सराउंडिंग में प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। तो जिसके सराउंडिंग में वेपर प्रेशर यानी सॉरी पार्शियल प्रेशर कम है वो अच्छा हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस होगा। या फिर अगर आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी के टर्म में बोलना चाहें तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, पार्शियल प्रेशर अपॉन वेपर प्रेशर इनटू 100। तो हम क्या बोल रहे हैं, अच्छा हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस कौन होगा, जो ज्यादा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहा हो और उसके सराउंडिंग में वेपर प्रेशर क्या हो, कम, पार्शियल प्रेशर क्या हो, कम। तो जिसका जिसके पार्शियल प्रेशर का वैल्यू कम होगा उसके रिलेटिव ह्यूमिडिटी का वैल्यू भी क्या होगा, कम होगा। तो हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस जो ज्यादा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहा हो, जिसके सराउंडिंग में पार्शियल प्रेशर वेपर का कम हो, वो अच्छा हाइग्रोस्कोपिक होगा, या जिसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो वो अच्छा हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस होगा। इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन भी है कि यहाँ पे कौन बेटर हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस होगा। राइट, अब आप पूछेंगे यहाँ पे मैं पार्शियल प्रेशर का वैल्यू कैसे पता करूं, यस, ये ऐसा इक्वेशन आपको गिवन होगा, केपी का वैल्यू गिवन होगा, तो यहाँ पे जो भी कोफिशियंट है उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, केपी किसके बराबर होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ वॉटर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ वॉटर क्या होगा, केपी का पावर 1/6, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ वॉटर क्या होगा, केपी का पावर 1/4। तो जो भी यहाँ पे पार्शियल प्रेशर मिल रहा है, सपोज यहाँ पे पार्शियल प्रेशर आपको मिला सपोज 480 m, यहाँ पे सपोज कैलकुलेट करने के बाद आपको मिला 280 m, तो जिसमें पार्शियल प्रेशर का वैल्यू कम है उसके सराउंडिंग में वेपर कम है, यानी उसने ज्यादा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब किया होगा, तो ये वाला सब्सटेंस क्या होगा, बेटर हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस होगा, बेटर मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग की कैपेसिटी इसमें होगी। राइट, सेकंड हम बात करते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस को समझने का, कि आइस का मेल्टिंग किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, पहली बात तो आइस मेल्ट कैसे होगा, जब आप उसको हीट सप्लाई करते हैं तो आइस का मेल्टिंग होता है, तो आइस का मेल्टिंग जो होता है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, ये तो होपफुली सभी को क्लियर होगा कि जब आप फ्रीजर में से अगर आइस बाहर निकाल देंगे तो बाहर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो आइस मेल्ट हो जाता है। ठीक है, तो जो आइस का मेल्टिंग है वो क्या होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो पहली बात तो अगर मुझे सॉलिड से लिक्विड में आना है तो एंडोथर्मिक प्रोसेस, तो टेम्परेचर क्या रखना पड़ेगा, ज्यादा रखना पड़ेगा, यानी टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, तो हाई टेम्परेचर इसके फॉरवर्ड डायरेक्शन में भेजने के लिए फेवरेबल होगा। अब अगर हम प्रेशर के अकॉर्डिंग बात करें कि प्रेशर पे किस तरीके से यहाँ पे इसका मेल्टिंग डिपेंड करेगा, तो एक अगर हम छोटा सा एग्जांपल लें, बचपन में अगर आपने
आइस के साथ, आइस आइस यूज में लिया हो, आइस के साथ खेले हो, तो हम क्या करते हैं, आइस को पकड़ लेते हैं ऐसे, आप दोनों फिंगर के बीच में अगर आइस को रख के प्रेस करते हैं तो क्या होता है, कुछ देर बाद वहां पे आइस के अंदर आपका फिंगर चला जाता है और उसमें होल हो जाता है, ठीक है। या फिर अगर आप घर पे हैं तो आइस के ऊपर क्या कीजिएगा, आइस के बीच में एक नाइफ फुट कीजिएगा, तो नाइफ फुट करेंगे तो उसको प्रेशर, वहां पे प्रेशर लगाइएगा, तो जहां से आपने नाइफ फुट करके उस पर प्रेशर लगा रखा है उसके वहां पे क्या होगा, नाइफ अंदर आइस में चला जाएगा। प्रेशर लगाने से जिस पॉइंट पर आप प्रेशर लगा रहे हैं वहां का आइस क्या होगा, जल्दी मेल्ट होगा कंपेरेटिवली अदर पार्ट। तो प्रेशर बढ़ाने पर आइस का मेल्टिंग क्या होता है, इंक्रीज होता है, और टेम्परेचर बढ़ाने पर भी आइस का मेल्टिंग क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यह पॉइंट आपको क्लियर हो कि यहाँ पे एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो यहाँ पे फॉरवर्ड एक्शन भेजने के लिए हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, दूसरा प्रेशर भी यहाँ पे हाई रिक्वायर्ड होगा, तो यहाँ पे फॉर मेल्टिंग हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर रिक्वायर्ड, ठीक है, मेल्टिंग के लिए हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है। अब दूसरा हम लीच एटलेट के अकॉर्डिंग समझ लें कि आप क्या बोलते हैं कि अगर आप रिएक्शन पे प्रेशर बढ़ा दें तो प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होती है, जिधर वो प्रेशर को कम कर सके, ठीक है। तो उसको समझ देंगे हम, देखें पहले तो यहां पर कि अगर मैं आइस और वाटर के वॉल्यूम को कंपेयर करूं तो किसका वॉल्यूम ज्यादा होता है, आइस और वाटर के वॉल्यूम को कंपेयर करें तो किसका वॉल्यूम ज्यादा होता है, ये शायद होपफुली सभी को क्लियर होगा कि आइस का वॉल्यूम वाटर के रेस्पेक्ट में ज्यादा होता है, क्योंकि आइस के पार्टिकल के बीच में क्या होते हैं, गैसेस मॉलिक्यूल ट्रैप्ड होते हैं, केज लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो यहां पे किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, हाई वॉल्यूम किसका होगा, आइस का और वाटर का वॉल्यूम आइस के रिस्पेक्ट में लो होगा, ठीक है। अगर हम सेम मान सकते हैं तो डेंसिटी को कंपेयर कर सकते हैं, जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा उसका डेंसिटी कम होगा, लो डेंसिटी और इसका हाई डेंसिटी होगा, ठीक है। अब प्रेशर का इफेक्ट समझने के लिए जो लीच एटलेट प्रिंसिपल है उसमें क्या बोला है कि अगर आप इक्विलिब्रियम पे प्रेशर बढ़ा देते हैं तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, जिधर वो प्रेशर को मिनिमाइज कर सके। अब वॉल्यूम दोनों का क्लियर है कि इसका वॉल्यूम कम होगा, इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिएगा कि सपोज एक कंटेनर है, उसके अंदर आइस एंड वॉटर इक्विलिब्रियम पर है, पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, यहां पर 1 एटीएम प्रेशर था, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, अभी ये इक्विलिब्रियम पर है, ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, इस पिस्टन को प्रेस करके क्या कर दिया, यहां पे प्रेशर को बढ़ा दिया, कि सपोज हमने प्रेस कर दिया और पिस्टन बढ़ गया, सपोज 1.5 एटीएम का प्रेशर अब इस कंटेनर में हो गया, ठीक है। तो अब रिएक्शन क्या चाहती है कि जो इक्विलिब्रियम वाला प्रेशर था, यहाँ पे प्रेशर आपने बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ा दिया तो आप आइस पे प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वह मेल्टिंग होगा, ठीक है। आपने यहाँ पे प्रेशर बढ़ा दिया तो रिएक्शन क्या करना चाहिए कि जो प्रेशर इंक्रीज हुआ है उसको मिनिमाइज करे, जो प्रेशर इंक्रीज हुआ है उसको मिनिमाइज करे, तो प्रेशर को मिनिमाइज करने के लिए रिएक्शन क्या करना चाहेगी, उस डायरेक्शन में जाएगी जिधर प्रेशर कम हो सकता है। अब यहाँ पे प्रेशर किस डायरेक्शन में जाने पर कम होगा वो देखिए कि अब आपने क्या कर दिया, पिस्टन को प्रेस करके क्या कर दिया, प्रेशर बढ़ा दिया, तो अभी यहां पे क्या था कि ऊपर जो आइस और वाटर के ऊपर जो एयर है उसको इतना वॉल्यूम पहले अवेलेबल था, अब आपने क्या कर दिया, पिस्टन को प्रेस करके उसका वॉल्यूम क्या कर दिया, कम कर दिया, ठीक है। अब अगर ये जो अवेलेबल वॉल्यूम है ये इंक्रीज हो जाता है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहां पे हालांकि कोई कंपोनेंट गैसेस नहीं है बट इक्विलिब्रियम वाला प्रेशर यहां पर चेंज हो गया है, इसलिए इनके सरफेस पे जो प्रेशर लग रहा था वो चेंज हुआ है, इसलिए प्रेशर से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने वाला है, ठीक है। तो यहां पर क्या करना चाहेगा, ये जो सिस्टम है वो क्या करना चाहेगा, इसको ज्यादा स्पेस प्रोवाइड कराने के लिए क्या करेगा, आइस को किसमें चेंज कर देगा, वॉटर में चेंज कर देगा, बिकॉज इसका वॉल्यूम ज्यादा होता है तो ज्यादा जगह घेर रहा होगा, अगर ये वॉटर में चेंज हो जाएगा तो जगह कम ग्रही में आएगी, तो यहां पे क्या होगा कि अगर आइस मेल्ट हो जाता है तो जो वॉल्यूम अवेलेबल है इसके ऊपर एयर को, वो वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा अवेलेबल हो जाएगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आइस और वाटर का लिक्विड का आपको इक्विलिब्रियम गिवन है तो
तो ये ऐसे ही याद रखें कि मेल्टिंग के लिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आने के लिए यहाँ पे बिकॉज एंडोथर्मी की तो हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा और हाई प्रेशर भी यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा। अगर मैं बैकवर्ड की बात करूं तो लो टेम्परेचर और लो प्रेशर हो जाएगा, राइट। चलिए सेकंड बात करते हैं बॉइलिंग ऑफ वाटर। तो ज्यादा कॉन्सेप्ट पे ना जाके सिंपल लॉजिक आप लगाइए, उसके बेसिस पे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने हैं इससे रिलेटेड। तो अगर आपको वाटर को लिक्विड से वेपर भेजना है तो क्या करना होता है, हीटिंग करना होता है, यानी वो प्रोसेस किसा है, एंडोथर्मिक। तो यहाँ पे जो लिक्विड से वाटर में वेपर में भेजने का जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक है। तो रिएक्शन को अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में भेजना है तो आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन है ये, ठीक है। दूसरा, प्रेशर पे किस तरीके से इफेक्ट आएगा कि अगर सपोज आप इस रिएक्शन पे प्रेशर बढ़ा दें तो रिएक्शन क्या करना चाहेगी, प्रेशर को कम करना चाहेगी। तो प्रेशर को कम करने के लिए यहाँ पे क्या है, गैसेस कंपोनेंट है, लिक्विड कंपोनेंट है। तो ये इसका इसकी ये गैसेस कंपोनेंट है, तो ये गैसेस कंपोनेंट है तो प्रेशर बढ़ेगा, तो रिएक्शन क्या करना चाहेगी, प्रेशर कम करेगी। इन दोनों में से किसकी वजह से प्रेशर ज्यादा होगा, बिकॉज गैसेस कंपोनेंट रैंडम मूवमेंट करते हैं, तो रैंडम मूव करेंगे तो उसकी वजह से प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। तो अगर प्रेशर कम करना है तो रिएक्शन को कहां भेजना पड़ेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगर वॉल्यूम को भी हम कंपेयर करें तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, लो वॉल्यूम होगा। लिक्विड और गैस को कंपेयर कर सकते हैं, इसका वॉल्यूम क्या होता है, हाई वॉल्यूम होता है। डेंसिटी कंपेयर करें, लो वॉल्यूम तो हाई डेंसिटी और हाई वॉल्यूम तो लो डेंसिटी, राइट। तो आप वैसे भी समझ लें कि एक कंटेनर में अगर वेपर भरा हुआ है, आप उसको कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, कंडेंस हो जाएगा, राइट। तो इस प्रोसेस के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होगी, एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर रिएक्शन शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और टूवर्ड्स हाई वॉल्यूम और लो डेंसिटी। ऐसा ही बोल सकते हैं कि हाई टेम्परेचर रखेंगे तो यहां पे वेपोरेशन बढ़ेगा, प्रेशर कम कर दिया तो आपने अगर पिस्टन को सपोज जैसे आप घर में प्रेशर कुकर में प्रेशर आप खाना पकाते हैं, तो अगर आप उसकी जो ऊपर विसिल होती है सीटी उसको प्रेस करके रखेंगे तो वहां से स्टीम बाहर नहीं निकल पाएगी, तो अंदर प्रेशर क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, तो वहां पे एक टाइम पे इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने उसका विसिल हटा दिया तो उसमें से क्या होगा, स्टीम बाहर निकल जाएगी, यानी प्रेशर रिलीज हो गया, अब अंदर का वाटर फर्दर वेपोराइज हो सकता है, तो प्रेशर कम करने पर रिएक्शन कहां आएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी। तो जो वेपोराइजेशन प्रोसेस है या जो बॉइलिंग ऑफ वाटर है वो एंडोथर्मिक होता है और लो प्रेशर पे फेवरेबल कंडीशन में रहता है, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ डायमंड, डायमंड का फॉर्मेशन किस कंडीशन में होता है। अगर हम डायमंड की बात करें तो डायमंड क्या होता है, डेप्थ ऑफ अर्थ में आपको मिलता है, बहुत नीचे मिलता है, तो जितना अर्थ में आप जाते हैं वहां पे टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है, और टेम्परेचर के साथ साथ क्या हो रहा है, वहां पे प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। तो डायमंड के लिए जो फेवरेबल कंडीशन वो क्या होगा, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। अगर हम आर्टिफिशियली डायमंड का फॉर्मेशन करना चाह रहे हैं, जो आर्टिफिशियल डायमंड बनते हैं, तो उसमें भी हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर रिक्वायर होता है और बहुत हाई प्रेशर वहां पर रिक्वायर होता है। अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम की बात करें तो ग्रेफाइट के जो बॉन्ड होते हैं वो डायमंड के रेस्पेक्ट में कंपेटिवली वीक होते हैं, तो उसमें जो पार्टिकल एटम होते हैं वो थोड़ा दूर दूर होते हैं, तो उसका वॉल्यूम हाई होगा और डायमंड का वॉल्यूम ग्रेफाइट के रेस्पेक्ट में कम होता है, राइट। अगर इसका वॉल्यूम हाई है, हम सिमिलर मास के अकॉर्डिंग बात करें, इसका वॉल्यूम हाई है तो डेंसिटी लो होगा, बिकॉज डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा, ग्रेफाइट के सेम मास ऑफ ग्रेफाइट के रेस्पेक्ट में इसका वॉल्यूम कम होगा और डेंसिटी हाई होगी। तो अगर आप हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं, हाई टेम्परेचर अप्लाई करते हैं, तो रिएक्शन कहां मूव करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी टुवर्ड्स लोअर वॉल्यूम और लो वॉल्यूम और हाई डेंसिटी। तो फेवरेबल कंडीशन क्या होगी डायमंड के फॉर्मेशन के लिए, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, हेबर्स प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया के फॉर्मेशन के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए। यस, जो अमोनिया का फॉर्मेशन होता है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, यहाँ पे यानी यहाँ पे हीट रिलीज होती है। तो अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाना उसके लिए फेवरेबल नहीं है, तो रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगर आपको इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा अमोनिया बनाना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भेजना है, तो टेम्परेचर क्या रखना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लो टेम्परेचर इसके लिए फेवरेबल कंडीशन होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए। और प्रेशर की अगर हम बात करें, इधर कितने गैसेस मोल्स है, 4 मोल, इधर कितने गैसेस मोल्स है, 2 मोल। तो अगर आपको रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में भेजना है तो आपको बताया था कि अगर प्रेशर हाई होता है तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करती है जिधर गैसेस मोल्स कम बन रहे हो, और अगर आप प्रेशर को कम कर देंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन मूव करेगी जिधर नंबर ऑफ गैसेस मोल्स ज्यादा बन रहे हो। तो प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन किधर शिफ्ट होती है, जिधर गैसेस मोल्स कम बन रहे हो। तो इधर 4 गैसेस मोल्स है, इधर 2 गैसेस मोल्स है, तो यहाँ पे अगर आपको फॉरवर्ड में भेजना है तो प्रेशर क्या रखना पड़ेगा,
हाई, तो इसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होगी, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन शिफ्ट, राइट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड NO, जिसको बैकलेन प्रोसेस भी बोलते हैं। रिएक्शन क्या होगी, N2 और O2 की रिएक्शन से NO बनेगा। तो यहाँ पे जो प्रोसेस होता है वो एंडोथर्मिक होता है। एंडोथर्मिक क्यों होगा, बिकॉज नाइट्रोजन जो होता है उसका ट्रिपल बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उसको ब्रेक करने के लिए यहाँ पर हायर एनर्जी देनी पड़ती है। जो बॉन्ड बनता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, उससे बनने वाली एनर्जी के रेस्पेक्ट में यहाँ पर एनर्जी आपको ज्यादा देनी पड़ती है। तो इधर एनर्जी आपने सपोज दी 100 जूल, इधर प्रोड्यूस हुई 50 जूल, तो ओवरऑल आपने क्या किया यहाँ पे प्रोसेस में एनर्जी सप्लाई की। तो ये जो प्रोसेस होता है हाई बॉन्ड एनर्जी की वजह से, ये प्रोसेस कैसा होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, राइट। तो अब अगर रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में भेजना है तो क्या रखना होगा, हाई टेम्परेचर, बिकॉज प्रोसेस कैसा है एंडोथर्मिक, तो हाई टेम्परेचर इसके लिए फेवरेबल होगा। अब प्रेशर के अकॉर्डिंग बात करें, इसका डेल्टा एन क्या होगा यहाँ पे 0, इधर भी 2 मोल है, इधर भी 2 मोल है। तो प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होती है जिधर नंबर ऑफ गैसेस मोल्स कम हो रहे हो, या प्रेशर कम करने पर रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होती है जिधर गैसेस मोल्स ज्यादा बन रहे हो बट दोनों साइड नंबर ऑफ मोल्स बराबर है, तो नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। हाई टेम्परेचर फेवरेबल कंडीशन होगी फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन, हाई टेम्परेचर फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करने के लिए फेवरेबल है। उसके अलावा N2 और O2 का अमाउंट बढ़ा दें, तो हाई टेम्परेचर हाई अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज फेवरेबल फॉर फॉरवर्ड शिफ्ट, राइट। नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज, प्रेशर चेंज से यहाँ पे कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है, क्लियर। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो ली चैटर प्रिंसिपल के थ्रू हम एक्सप्लेन करते हैं कि रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हैं, अगर आप प्रेशर चेंज करते हैं, या रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का अमाउंट चेंज करते हैं, क्लियर। तो इनको आप अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, आप प्रैक्टिस करिए, बार बार मेमोराइज कीजिए, क्योंकि हम नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे, राइट। तो आज तक के लिए इतना ही काफी है, नमस्कार।